तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। ये ग्रुप बूट लोडर का जो प्रॉब्लम आता है, ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते समय हम एक ही पीसी में दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलाते हैं तो वहाँ पर ये ग्रुप बूट लोडर का ये प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे आता है, क्यों आता है और इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पीसी में इंस्टॉल होता है, तो उस दोनों में से किसे हमें रन करना है, किसे नहीं करना है, वो सब बूटलोडर का काम होता है। तो इसीलिए हमारा कंप्यूटर में ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम डालते समय बूटलोडर इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन देता है, तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। अब ये प्रॉब्लम की बात है, जब कभी हमारा ग्रुप बूटलोडर मिसिंग हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आता है ग्रुप बूटलोडर करके। यहाँ पर कुछ फाइल्स मिसिंग हो जाता है, जैसे कि ग्रुप बूटलोडर के फाइल सिस्टम से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकेशन हट जाता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर कमांड लगाइए ls। ये कमांड से आपको आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और उस हार्ड डिस्क का सभी पार्टीशन यहाँ पर शो कर देगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में दो हार्ड डिस्क है, एक HD0 करके आ रहा है, एक HD1 करके आ रहा है। उसके साइड में जो MS-DOS करके आ रहा है वो उसका पार्टीशन सब है। तो हमें वन बाई वन करके चेक करना होगा कि कौन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप ls कमांड लगाइए, उसके पीछे आप अपना हार्ड डिस्क और उसके पार्टीशन का नाम लिख दीजिए। जैसे कि ls ms hd1 ms-dos1 करके मैंने चेक किया था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फाइल सिस्टम इज अननोन बताई दे रहा है, यानी कि इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद फिर से मैं आगे की तरफ चेक कर रहा हूँ, मैं पीछे से चेक करते जा रहा हूँ वन बाई वन। तो उसके बाद ls hd1 ms-dos2 करके सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फाइल सिस्टम में ext2 बताई दे रहा है। इसका मतलब इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमें इसे बूट कराने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद मैं फिर से एक बार चेक कर दे रहा हूँ वही प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर आप सेट बूट करके कमांड लगाइए, सेट बूट = और जिस हार्ड डिस्क के पार्टीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हार्ड डिस्क को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद एंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप एक कमांड लगाइए, सेट प्रीफिक्स = और उसी हार्ड डिस्क यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद /boot/grub मेंशन करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर insmodnormal मेंशन करके एंटर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आप नॉर्मल टाइप करके एंटर करते ही आपका पीसी रीस्टार्ट होगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन हो चुका है, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। अब तभी भी नहीं होता है तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट में मैसेज कीजिए। तो इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में।